नमस्कार, मैं रवीश कुमार। भारत की मौजूदा राजनीति में तिरंगा काफ़ी प्रासंगिक हो गया है। राजनीतिक दल या तमाम तरह के संगठनों के हाथ में अब तिरंगा पहले दिखता है, उनकी राजनीति या उनके मुद्दे पीछे दिखते हैं। राष्ट्रवाद अब एक ऐसा मुद्दा बन गया है जो सभी मुद्दों के ऊपर चांदी के वर्क की तरह चला आता है, लेकिन एक तिरंगा यहाँ भी लगा है और जो लोग लेकर बैठे हैं उस तिरंगे को, उनकी हैसियत देखिए कि हाथ में तिरंगा होने के बाद भी उस तरह से राष्ट्रवाद वाली ऊर्जा पैदा नहीं होती है, ना मीडिया पैदा करता है। जिस तरह से एक राजनीतिक दल के नेता जब उस तिरंगे की बात करते हैं, राष्ट्रवाद की बात करते हैं, तो उसे एक नैरेटिव, अंग्रेज़ी में आजकल चुनाव के समय एक फटीचर शब्द चला है जिसको अंग्रेज़ी में नैरेटिव बोलते हैं, तो पत्रकार भी पूछते हैं कि नैरेटिव क्या है, तो नैरेटिव चल रहा होता है, तो नैरेटिव के बनाने में एक तिरंगे का नैरेटिव देखिए, और जिन लोगों के पास भी तिरंगा है और गांधी की तस्वीर है डांडी मार्च वाली लाठी लेकर चलते हुए, उन लोगों की भी एक नैरेटिव को सुनिए। अगर नैरेटिव है भारतीय राजनीति का या सार्वजनिक जीवन का अगर यथार्थ है, तो आप देखेंगे कि दो कहानी मैं दिखाना चाहता हूँ। एक गाज़ियाबाद के ये कुछ गांव हैं, मंडोला, नवादा, पंचलोक और नानू, तो ये तीन चार गांव हैं जिनकी ज़मीनें कई साल पहले 90 के आखिरी दशक के आखिरी हिस्से में अधिग्रहित की गई। किसान बढ़ी हुई दरों पर अपना मुआवजा चाहते थे और 2 दिसंबर 2016 से ये धरने पर बैठे हुए हैं, लेकिन आज तक इनका जो संघर्ष वो किसी अंजाम पर नहीं पहुंचा। हम कुछ पुरानी तस्वीरें शुरू में दिखा देना चाहते हैं जिससे ये ना लगे कि इसकी खबर दुनिया को नहीं है। आप इस तस्वीर में देख रहे हैं कि कैसे मौजूदा सांसद वी के सिंह सांसद बनने से पहले इनकी सभाओं में आया करते थे और वादा करते थे कि आपकी समस्या का समाधान करेंगे। इसी तरह से जो विधायक के उम्मीदवार होते हैं या पंचायतों के उम्मीदवार होते हैं, इन सब पर इन लोगों ने भरोसा किया। हो सकता है कि उनके लिए मुश्किलें रही हों, पर इन्होंने वो भी प्रयास करते हुए, इनकी शिकायत है कि हमने अपने लिए इन्हें प्रयास करते हुए भी नहीं देखा है। तो आज हम मंडोला गांव के किसान जो यहाँ पर पिछले लगभग 2 साल से अधिक समय से यहाँ धरना दे रहे हैं, उनकी कहानी बताएंगे और फिर नवादा की कहानी बताएंगे। मकसद ये है कि आप ज़रा सा सोचें कि लोकतंत्र में जनता ही अब जनता नहीं रही, सिर्फ वही जनता जनता है जो टीवी के सामने एक दर्शक है, जो TRP के लिए है या फिर एक राजनीतिक दल के वोट के लिए है, उसके बाहर जो जनता नहीं है वो जनता नहीं है। और क्या संघर्ष है इन लोगों का, दो ढाई साल तक लगातार संघर्ष करने का, यहाँ महिलाएं भी आती हैं, इसके बाद भी इनकी इतनी बुनियादी शिकायत है कि कोई सुनने नहीं आया, कोई देखने नहीं आया, जो जीत कर गया वो हाल पूछने नहीं आया। मेरे खूब लटपट भाई रोले लाठी चार्ज में आज लाठी के सिग्नल फोन डाल लड़की तो लट है ना पसंद है जब तक वोट मांग गए आया है कि ये और मेरे तो बात को करने वाला भी नहीं। कब लाठ आपको बहुत चोट आई है? आप बहुत मेरी पूरी रीढ़ की हड्डी में दर्द नहीं पैर काम करता मेरा और दो तो बूढ़े हमारे दो तो मर भी गए। गंगा मैया का नाश करेगी जैसा माला गिरा हमारे तो कोई भी करने वाला ना कर सुनी ना जी किसी ने इन्होंने तो बहुत लोगों को दिखाई अपनी चोट सुनी नहीं किसी ने जब तक केजी त्यागी भी आया मोटे वाला सारे आए देखने फिर किसी ने ना सुनी मारे तो खाट में गिर गिर कर जाए उन्हें आवास विकास के अधिकारियों ने सामने खड़े होकर उनकी मार पिटाई करवाई। बहुत बुरा हाल, ये कैसा है भारत देश महान जिसमें कि हर किसान और मजदूर है परेशान और ये कहते हैं भारत देश महान। अब आप बताएं कि ये हुआ क्या था मामला। हमारी जमीन 1998 में इन्होंने अधिग्रहण करी। हमारी जमीन 3 फसली जमीन थी, उसमें हम अपनी खेती कर रहे, गुजर बसर कर रहे। हाँ। हम मना कर रहे थे कि हम अपनी जमीन को देना नहीं चाहते, हमारी जमीन जो ये बसा हुआ है यही। हाँ जी, 2800 एकड़ जमीन है ये। हाँ। इन्होंने फिर जब हम आंदोलन करते रहे, धरने बैठ गए। हाँ। कि भाई हम अपनी जमीन नहीं देते हैं, तो इन्होंने हमें बात करा और इमरजेंसी क्लोज लगा दी और बैना भी हमारे बंद कर दिए और जमीन को हमारी को अधिग्रहण कर लिया और 12 साल तक हमने धरना प्रदर्शन करते रहे 1998 से 2010 तक, जब भी बस हो गए, दुखी हो गए कि भाई अब तो ये इसे पैसे को हिजरी में डाल देंगे।
तो भी बस हो के हमने मात्र 1100 रुपया में इन्होंने हमारी जमीन छीन ली, 1100 रुपया मीटर के हिसाब से। अब हम इनसे ये कह रहे हैं कि जो आपने वादा किया कि इस योजना के तहत और कहीं बढ़ेगा किसी का तो आपको भी दिया जाएगा, तो हाईवे भी जो ईस्टर्न पेरिफेरल हाईवे जो गया हमारे समय की योजना उसको भी इन्होंने हमारे टाइम पे ही इतना ही मुआवजा दिया जितना हमें दिया था, अब उन्हें चौगुना दे दिया सर्कुलेट का। हम इनसे कह रहे हैं कि अपने वादे पर रहो, लेकिन इन्होंने हमारी एक ना सुनी। और जो आज सत्ता में हैं उत्तर प्रदेश में, ये लोग हमारे साथ बैठ के धरना दिवाया इन्होंने 2016 में, 2 दिसंबर 2016 में हमारे साथ रहे और ये वादा किया था कि हम सत्ता में पहुँचेंगे तो आपकी ये बात मानेंगे, सबसे पहले मानेंगे। नई अधिग्रहण नीति से 2013 की नीति के कानून के तहत आपको मुआवजा दिलाऊंगे, लेकिन जैसे ही सत्ता में पहुंचे जीत के इन्होंने हमारी एक न सुनी। हम बार बार प्रार्थना कर रहे हैं और लाठी चार्ज हम पे कराया, जीत तक साथ ही सब काम इन्होंने हमारी गल करा, जास्ती करी है। और हमारे जो बीके सिंह हैं जो सांसद हैं, ये हमें एक भी दिन भी हमें देखने के लिए नहीं आए कि भाई आप दुखी हो, कैसे हो, परेशान हो। ऐसे ही विधायक ने किया, ऐसे इन्होंने किया, हम सब दुखी हैं, रोष प्रकट करते हैं। हम करीब ऐसे होंगे कोई 2-2.5 हज़ार किसान हैं, किसान परिवार हैं और बेघर हो गए, मतलब यहाँ तक भी आबादी तक भी इन्होंने एक्वायर कर रखी है, उसे भी छोड़ने को तैयार नहीं है। एक तो हमारे प्रमोद त्यागी तो बावड़े हो गए क्योंकि उनका घर भी एक्वायर कर रखा, उन्हें रहने की जगह नहीं कहीं भी। अभी ने चल चुका उनके घर का अधिग्रहण किया हुआ है, जो घर है उनका अधिग्रहण किया हुआ है। ऐसे बहुत सारे किसान हैं जो आबादी के नज़दीक रह रहे हैं और उनके घर का भी अधिग्रहण है। और यही जिस इलाके में है वहीं पर हम देख रहे हैं कि आपकी सारी जमीन ली है, उस जमीन का कुछ किया भी है, हुआ भी है कुछ, क्या हुआ है डेवलपमेंट? मात्र 2% जमीन पे इन्होंने अपने फ्लैट बनाए हैं, हमने फीते से ना पाए। हाँ, और बाकी में हम खेती कर रहे थे, इन्होंने खेती हमारी उजाड़ दी, हमारे ट्वेल बोरिंग समर जो इंजन वगैरह थे, जो कृषि यंत्र थे, सभी हमारे ज़मीन में दबा रखे हैं, आज भी दफन है वो ज़मीन में। उन पे 20-20 जो गहरे कुएं थे पानी निकालने के लिए जो हमने बनाए हुए थे, उनमें जेसीबी मशीन से उठा के वो ज़मीन में नीचे दबा रखे हैं, आज भी दबे हुए हैं। आज तक ट्रैक्टर का इंजन 30 फुट नीचे दबा रखा, 2 साल हो गए दबे दबे। क्यों? कि कब्जा लेंगे तुमसे? हमने ले ली, जमीन हमारी हमें दो, मगर हमारा कब्जा है, आपने 7 साल लोग कुछ भी नहीं किया इसमें, हम जब से ही बो रहे हैं अपनी जमीन को, हम क्या खाओगे? अभी आप और खेती कर रहे हैं? खेती कुछ जमीन पर कर रहे हैं जी हम। जबरदस्ती मतलब वो कानूनन नहीं? कानून तो उन्होंने सकते, कानूनन कैसे कहते हैं, उन्होंने हमारी जमीन अपने कब्जे में करके और उस पर हमारी जमीन पे नाम हमारे काट दिए, जबकि माननीय न्यायालय ने सुप्रीम कोर्ट तक ने यह कह रखा कि अगर 5 साल तक ज़मीन पर कुछ नहीं होता है तो उसको वापस किया जाए। हमें भी लगा कि 5 साल से ज़्यादा हो गए इन्हें, तो अब हमारी ज़मीन हमें वापस मिलेगी। हमारे नेताओं ने हमें आश्वासन दिया कि आपको ज़मीन वापस नहीं होगी, आपको नई अधिग्रहण नीति से मुआवजा दिया जाएगा जो 2013 में कांग्रेस पार्टी ने बनाई थी, लेकिन उस पर कोई इन्होंने अमल नहीं किया। हम लोग लगातार यहीं बैठे हैं और लगातार इनसे हम लाठी खा रहे हैं, हम 2 बार पिट चुके हैं इनसे। हमने कई बार योगी जी से मिलने की कोशिश की, कई बार हमने प्रधानमंत्री जी से मिलने की कोशिश की, जब हमारे गाजियाबाद ज़िले में आए, वो बागपत ज़िले में आए, लेकिन हमें मिलने नहीं दिया गया। ये आप लोग रोज़ यहाँ पर धरने पर आते हैं, यहाँ बैठने के लिए रोज़ आते हैं जी? अब एक समस्या और भी है जी, हमें इन्होंने दुखी भी बहुत किया है, 8-10 तो मुकदमे लगा रखे हैं हम पे, जिला बदर की भी तैयारी करके हमारे किसान नेता मनबीत तेवतिया जो अगुवाई कर रहे थे, समझा रहे हैं हमें कि धरना प्रदर्शन शांति प्रिय ही रखो, सत्ताग्रह को ऐसे चला कर रहे हैं, उन्हें जिला बार बार जिला बदर कर रहे हैं, अब भी जिला बदर हैं और हम पे भी कार्रवाई कर रहे हैं। पहले जिला बदर रखे, अभी भी 2 महीने के लिए जिला बदर हैं, गाजियाबाद ज़िले में उनका प्रवेश नहीं है, उनके प्रवेश पर पाबंदी लगा रखी है, जो हमारे धरने का नेतृत्व कर रहे हैं मनवीर तेवतिया भट्टा पारसोल से हैं, जबकि उन्होंने यहाँ हमें शांति का पाठ ये पढ़ाया कि आप यहाँ बिल्कुल शांति से बैठे रहें, सत्याग्रह आंदोलन है हमारा और हम बिल्कुल शांति से बैठे हैं, लेकिन इन लोगों ने, सांसद विधायक ने, इन्होंने हमारे ऊपर अत्याचार करके हमारे ऊपर लाठीचार्ज। क्या लगता है कि आपने तो सबको ट्राई कर लिया होगा, तो आपको क्या लगता है कि इस समस्या का समाधान है? 2 साल आपने धरना प्रदर्शन किया है, जो यू सरकार, केंद्र सरकार या यूपी सरकार, हमें तो लगता नहीं ये हमारी हल कर दे, हमें तो इनसे परेशानी है। हम तो इस सरकार जाने वाली जो है, हम तो यही कहेंगे भगवान इसे विदा करें, हमारे बीच में रहने दें। जब से नोटबंदी हुई है 4 साल हो गए इसे बर्दाश्त करते करते, गरीब किसान मजदूर खेती बर्बाद होगा। हमें खेती करने के लिए जो ज़मीन हमारी बसरी भी है
उसके लिए हमें कोई आदमी नहीं मिलता मजदूर, क्योंकि उसे मिलता ही नहीं कुछ भी। जब हमें नहीं मिलता तो उन्हें क्या मिलेगा। हम इस वक्त बर्बाद हैं, हमारे युवा जितने भी हैं लड़के सब बेरोजगार हैं। कोई इनसे प्रार्थना ही कर रहे हैं, हमने आज तक इन्हें कुछ नहीं कहा कि भाई हमारी भी कुछ सुन लो। एक छोटा सा स्कूल गरीबों का चला रखा था हमने, उस पर भी इन्होंने सील ठोक दी। हमारे सारे जितने भी साधन हैं खाने कमाने के सब बंद कर दिए, इतना दुखी कर दिया हमने। नंदकिशोर भी कहा कि जो हमारे जब आवास विकास में आए तो उन्होंने कहा अवैध मकान बन रहे इसमें भूस भरेंगे और इन्हें भगाओगे यहाँ से। जब अखिलेश की सरकार ही जो इनकी सरकार बनी है तो हमारे यहाँ कोई नहीं आया जी। ये तो अखिलेश इसके नंदकिशोर के जवाब है हमारे एमएलए के। आप वोट दे देंगे, आप थक चुके हैं। हाँ जी, वोट देख कर थक चुके जी ने। 2 दिसंबर 2016 में इन्होंने अखिलेश के टाइम में युद्ध धरना रखवाया था, और जब तो इन्हें हक लग रहे थे, जमीन भी पूरी, और इनका बहुत बड़ा योगदान है जो आज ये हमारे से निगाह नहीं मिला सकते। सांसद जी, विधायक जी, जिला अध्यक्ष, तीनों आज गांव में नहीं बढ़ सकते, क्योंकि उन्हें पता है आंख से आंख कैसे मिलाओगे। और जमीन पूरी थी, इन्होंने पूरे वादे करे मंदिरों में भी। उसके बाद में जब से इनकी सरकार आई है हमारी महिलाएं पीटी इन्होंने। अब आप बताओ, हमारा तो नुकसान है ही है, इतने लंबे एरिया में सारे राष्ट्र का नुकसान नहीं है। हम जाने सड़क थी, जमीन दे रहे, फिर फसल उगाने में क्या दिक्कत थी, पर इन्हें यूँ उजाड़ना अच्छा लगा। हमारा रोजगार के साथ साथ हरियाली सब कुछ इन्होंने ख़त्म कर दी। आप पूरे जंगल पर निगाह मार के देख लो। हम विकास के विरोधी बिल्कुल नहीं हैं, किसान विकास का विरोधी नहीं है, लेकिन विकास में उसे शामिल तो किया जाए। आज हमारी ज़मीन तो यहाँ से छीन ली, जो इस ज़मीन पर 2600 एकड़ ज़मीन है, इस ज़मीन पर जो मजदूर वर्ग काम कर रहा था आज वो बेघर है, उनके किचन में। ने सरकार की तरफ से ये भी कहा कि भाई हमने बात विचार कर लिया है, मुझे नहीं लगता कि ये आपकी समस्या का समाधान है, ये भी कहा अपने तरफ से अंतिम रूप से कह दिया। किसी ने कहा या वो भी नहीं कहा? ये कहा हमें, हमारी जो सत्ता पक्ष के मंत्री थे आवास एवं शहरी नियोजन मंत्री सुरेश पासी, उनके साथ हमारे एक प्रतिनिधियों की मीटिंग हुई। उन्होंने कहा कि ठीक है, आप जो असंतुष्ट लोग हैं उनकी समस्या का हम समाधान कर रहे हैं, और आप उनकी एक सूची बना के हमें दो। यहाँ क्या हुआ, जैसे ही जमीन अधिग्रहण की बात आई तो बाहर के बिल्डर, कुछ अधिकारी, कुछ नेता, उन्होंने ऐसे ही अधिग्रहण की हाट सुन के अपना 2 नंबर का पैसा यहाँ खपाया, और किसान उसे ज़मीन लेके, और उन्होंने ज़्यादा मुआवजा यहाँ से लिया, उससे कुछ बढ़ा के मुआवजा सरकार ने दिया था। तो वो लोग यहाँ हमने संतुष्ट मान लिए, और किसान सारा असंतुष्ट रहा, और उसकी सूची उन्होंने मांगी, हमने उनको दी। सूची भी लिखित में मांगी है, लिखित में मांगी है कि आप हमें जो असंतुष्ट किसान है, जो परेशान है, वो बताएं। सब लोग देखो ना, जिसमें हमारी औरत पीटी है तो थारी आंखों में आंसू आ जाएंगे जी। औरत घेर घेर कर लठ बजाई है, महिला पुलिस और पुलिस वालों ने हमारे जो जगह उनके खाट में घेर घेर कर जाए उन्हें ठा के। आज कोई खुश नहीं, नोटबंदी से परेशान, बेरोजगारी से परेशान, सुरक्षा नहीं यहाँ पर, असुरक्षा है, शिक्षित नहीं है। बोरिंग तोड़े जा रहे थे, जब हमने उनका शांतिपूर्वक विरोध किया, जब हम पर ये लाठीचार्ज हुआ, देख लो उसकी कि जब हमारी बात चल रही है जिलाधिकारी से, उनसे, सब लोगों से बात चल रही है, तो आप हम इतना अत्याचार क्यों कर रहे हैं? हमारी इंजन जो हमारे समर आदि हैं उनको तोड़ के जमीन में कुएं में क्यों डाल रहे हैं? हम शांतिपूर्वक जेसीबी मशीन के सामने आके जाके बैठ गए, उस टाइम हम पे ये लाठीचार्ज हुआ, हमारी महिलाओं पर लाठीचार्ज हुआ, और वो तो हम अपने खेतों में बैठे थे। ये इस मशीन के सामने हम लोग शांति से बैठे थे कि आप ऐसा नहीं कर सकते, हमें एक नोटिस जारी करें, कोई सब जो भी समस्या है आप हमें बताएं, जब हम अधिकारियों को सामने रखेंगे वहाँ बात होगी। ये देखो किस कदर बर्बरता से हमारे ऊपर लाठीचार्ज चल रहे हैं। ये सांसद जी हैं, समर्थक, जब समाजवादी की सरकार थी, जब सांसद, विधायक, जितने भी जो भी लोग थे भाजपा के, बागपत के सांसद सतपाल जी और वो, ये सारे लोग, सभी लोग हमारे धरने पाए, और सभी ने कहा कि हमारी सरकार एक बार बनवाओ, जैसे ही हमारी सरकार बनेगी आपको नई अधिग्रहण नीति से मुआवजा हम दिलवाएंगे। नहीं मिला उसके बाद तो कोई आया ही नहीं, कोई यही पूछने नहीं आया कि आप कैसे हो। हमारी जमीन और जो हम बोरे जोत रहे थे वो और ख़त्म कर दी। महिलाओं से और हमसे बात करके बहुत मुंह से ही पता चल गया, डायरेक्ट कार में बैठे और चले गए। 5-4 गांवों में करा, कुछ नहीं मिला उन्हें बीजेपी के लिए, कुछ नहीं है, जबकि बीजेपी का ही है। आज यहाँ कुछ हुआ ही नहीं इससे, पर इंसान बहुत ज़्यादा दुखी हैं, बहुत ही ज़्यादा, किसान तो और गरीब तो बहुत ही ज़्यादा।
तो आप हमारी अभी आता है तो कहता है तारीफ करो नहीं, आप नहीं, बात नहीं, नहीं, नहीं देते मीडिया को नहीं जो आ रहे हैं ना वे भी बात नहीं करते यहाँ उनकी बात करते हैं यहाँ तो जो अखबार वाले हैं ना वे भी नहीं लिखते इनका इतना कंट्रोल है इन पे पता नहीं क्या बात है और हमें भी डरा में लड़ ही रहे हैं चलो हम तो जैसे भी मुकदमे हो रहे हैं जिला बदर हो रहे हैं सबको कभी बिजली के उससे परेशान करा जाए भाई को दो ना भाई को दे दो बिल से और जब हम हक मांगे फिर हमें ये हिंदू की बात करें समाज में बांट दें तो हम इस समाज के किसान हैं इस समाज के फिर ये व्यवहार बड़ा बहुत दुख है यू हमें ऐसा याद आ गई ये कि नंगे रहे बाल कटवा दिए बाल मुंडवा दिए सिर के कपड़े निकाल दिए नंगे रहे और अगर हमारा हक बनता हो तो 26 जनवरी को अर्धनग्न हुए थे एक बुड्ढा तो मर गया यही अंजल भाई जी ओहो आपसे तो उठा नहीं जा रहा तो आप यहीं बैठ जाइए ना भैया खड़े हो हां खड़े हो जाओ मैं चल के भी तो हूं कई साल हो गए चलते चलते रोज आती हैं धरने में आप रोज आते हैं कहाँ कहाँ गई है प्रदर्शन करने के लिए मैं कहीं ना जाती मैं धरने पे हूँ मेरे पे चले ना जाता पैरों से कहाँ कहाँ गए हो आप दूसरी कोई और बताओ कहाँ कहाँ गए हो हम कहाँ नहीं गए आप ये पूछो हाँ आप कहाँ नहीं गए बताओ बस तो हम सब जगह जा लिए और सबसे मतलब जो भी हमारे बस की हमने सब कुछ कर लिया हमारी सुनने वाला कोई नहीं हमें तो लगे कि नीचे से ऊपर तक मतलब कहने का मतलब ये कि कोई हमारी या किसान की मजदूर की कोई सुनने वाला रहा ही ना समझे जैसा कोई भैया आप पे या उम्मीद है अब आपको भी हमने देखा टीवी पे भी देखा अब हम तो जाने कोई उम्मीद तन मन से होएगी तो थारे से अब तो आप सही उम्मीद बताओ जब कहीं लेडीज सड़कों पे फिरने वाली या इस तरह जैसे हम पड़े हैं जंगलों में ऐसे रहने वाली चीज है घरों में रहने वाली या तुम्हारे सबके परिवार को पालने की आकर है यहाँ पड़े तीसरी साल हमें लग गई यहाँ कोई हमारा सुनने वाला जब कोई है ही ना क्या कहाँ जावे कहाँ डूब के मरे कसर और तो कुछ रही ना पीठ हम लिए अत्याचार हमारे बराबर कोई झेल सकेगा जितने अत्याचार हम झेल रहे हैं लील अभी तक भी ना गए भाजपा सरकार ने जब हम पर डंडा पटकवाया क्या करें इस भाजपा का और जो कसम खाया खाया के यहाँ गए हैं और यू ही क्या नाम वीके सिंह इसे हमने यहाँ से जिता के भेजा राजनाथ को जिता के भेजा और विधायक इसको भी नंदू गुज्जर को भी जिता के भेजा यहाँ सब जिता दे कौन लखा रहा हमारे तरफ नीचे जिला पंचायत भी हमने जिताया बसंत त्यागी बस मार तो तले धरती ऊपर आसमान समझ रहे हैं हम तो और क्या समझे भूखे हम मर रहे बच्चों को हमारे कारोबार कुछ नहीं से आप भी 16 से आप भी प्रदर्शन में आ रही हैं हाँ प्रदर्शन में हम डेली आती हैं अब आप पहले आप कभी किसी प्रदर्शन में गई थी हमें जरूरत नहीं पड़ी हम पर हमारे पास खेती थी अपनी खेती करते थे अपना गुजारा करते थे हम जाते कहाँ उससे पहले गए भाजपा के लिए गए जहाँ भी गए भाजपा के लिए इलेक्शनों में इन्होंने हमें मतलब इस तरह यूज करा और अपना मतलब कार के छुट्टी करीब रैलियों में वैसे गए हम लेकिन भाजपा की रैली में गए और गाँव में भी फिरे मतलब पूरे बच्चों को अपनों को सबको समझाया दिल्ली में बात हो रही है कि चुनाव पुलवामा पे हो रहा है आपकी समस्या पे नहीं हो रहा है पुलवामा हाँ हो सकता हमारी समस्या क्या है कौन सुन रहा हमारी पुलवामा पे हो कहीं पे भी हो अरे यू तो अब तले सब पल यही तो बैठे हैं ये कुछ ही करें कहीं कैसा ही भी चाहे जी चाहे किसी को पिटवाओ जी चाहे किसी को उठवाओ हो सकता मेरे पे भी नंबर आ जावे इसे देख के कि इसको गुम करो ऐसा भी हो सकता पर मैं डरने वाली ना हूँ चाहे वे आ जाओ कोई भी आ जाओ मैं डरूँ ना मेरा क्या करेंगे जो कर रहे हैं हम खुलेआम कर रहे हैं और जिसका हाथ पकड़े उसका भी सरेआम पकड़े ऐसा हम चोरी से कोई काम ही ना करते आप लोग अपने हक के लिए बैठे 2600 एकड़ जमीन थी 2600 एकड़ जमीन जिसका धोखाधड़ी से हमसे मतलब आरोप लगाए के और बंजर क्षेत्र दिखाए के डूब क्षेत्र दिखाए के और धारा लगाए के हमसे छीन ली और हमें कुछ नहीं क्या मुआवजा दिया इन्होंने क्या ये अपने एक बच्चे की भी फीस भर देंगे हमारी एक बीघे जमीन की तो बाकी आप और गांव में नहीं गए कि आपके साथ ऐसा गलत हो रहा है हम दूसरे गांव में नहीं गए गाजियाबाद तक घूमे दूसरे गांव में जाके नहीं बताया कि आपके साथ ये बड़ा गांव उन्हें सब जगह गए सब जगह लेकिन हमारे पीछे पीछे ये फिरते थे दबाने के लिए जहाँ भी हम गए वहीं दबाया गया हम लोगों ने साथ नहीं दिया नहीं हमारा कोई गाँव वालों ने भी नहीं दिया मुकदमे हमारे ऊपर और 7 दिन हम डीएम के ऑफिस के सामने लेट के आ गए अपने यहाँ एक बार उसने आके मैं देखा ही नहीं सब हर कोई इन्हीं का तो है ये अंडे पे हम रह आप हिम्मत करो तो मैं मान लू
मैं तो दिखा दूंगा। दिखा दोगे ना तो सब मीडिया बिकी हुई है, मैं तो जानू सब बिके हुए, हमारी कोई सुनता ही ना, क्योंकि हम जब से 3 साल से देख रहे हैं हमारा कुछ भी टीवी क्यों आपको लग, आपका नहीं आता टीवी ना, कभी नहीं, हमने तो दिखाया था, आपने दिखा इसीलिए तो आपको कह रहे हैं, इसीलिए तो आपको कह रहे हैं हम, लेकिन और कोई आएगा बतावे ना कि हमें ऐसा क्यों बोलते हो, आपने दिखाया आपको इसीलिए तो कह रहे हैं, इसीलिए उम्मीद बनी हुई है आप पे, तो उम्मीद बनी हुई है, लेकिन औरों से ना है, तो जब हमने दिखाया तब भी तो कुछ नहीं हुआ आपका, नहीं कुछ नहीं हुआ, नहीं हो सक हो सके कि आपको हमारी गिनती में ही करके ये लोग छोड़ देते हो, ऐसा भी तो हो सकता है, ये तो पता चलेगा दुनिया को, अच्छा ये भी होता होगा, अरे जब सुनो आप दिखाते हो और हम अपनी मेहनत कर रहे हैं और फिर भी कहीं कोई बात नहीं, तो हो सकता हमारी गिनती में करके ये आपके दिखाने से दुनिया को तो पता चला कि हम हमारे ऊपर अत्याचार ऐसे ऐसे हो रहे हैं, और हमें सब आपके दिखाने से कब होएगा तुम्हारा काम, फिर भी हमारा वही वही रहेगा, नहीं अब हमारा कुछ नहीं है, सोने की सड़क भी बना दें वे हमारे किस काम की, हम क्या करेंगे उनका, हमारे बच्चे क्या करेंगे, अभी इन्होंने सड़क का हाईवे का उठाया, इसमें भी गाँवों की बर्बादी, हमारी बर्बादी है पूरे हमारे गाँव, ये मतलब जो भी हैं ये रोड पे मकान है ये ढह जाएंगे गिर जाएंगे, जो हमें इन्होंने थोड़ा बहुत लोहा के तरह दिया वो हमने इन्होंने में लगा दिया, बच्चे मारे बेरोजगार हर कोई, तो अब फिर हम कहाँ जाएंगे, अब ये अब यूँ तो है नहीं कि हमारे मकानों की जगह सोना धर के चले जाएंगे, जिसे हम ठा लेंगे रोड पे तो कर सकेंगे, जो भी कुछ करेंगे उस रोड का हमें क्या फ़ायदा, हम क्या मतलब उस पर क्या करेंगे, हम तो बर्बाद हैं, हम तो कहीं हमारे तो ऐसे लक्षण आ रहे हैं कि कहीं यहाँ से कहीं और जाए के झुग्गी झोपड़ी घेर रहे हैं, कटोरा लेके निकल रहे हैं हमारे यहाँ से, जब भाई ना तो कुछ है भीख मांगे बच्चों के लिए, भाई माँ बाप रहे हैं और बच्चे हमारे बाहर निकल रहे हैं, बस अगर एक भी रोड अच्छा बता कोई भी ना है, क्यों उस पे पैसा नहीं मिल रहा भैया, ये अंधे हो रहे हैं, ये सिर्फ और सिर्फ ये वोटों के समय अपनी वो दिखावे हैं, दादागिरी कह दो या हिंदू मुस्लिम करवा दो, ये कहीं किसी का या कोई भी आरक्षण या भय का है कि तुम्हारे 6,000 रुपये आओगे, अब यूनियन निकाल दिया, अरे किसी के तो उसमें आ गए, उस पर क्या नाम मोबाइल में आ गए, बैंक में किसके आ गए, किसी को पहले भूमि अधिग्रहण नीति को अब आप समझ गई हैं कि ये क्या खेल है और किस तरह से लोगों अभी तो समझे भैया आए के, हमने भैया पहले साल में पहले भी धरना रखा है इसका, हमने दी नहीं जमीन, समझ गए कि वो क्या है क्या खेल है, आप समझे क्या करें, जब भी हमने धरना रखा अगर ऐसा पता होता तो हम इन्हें वोट दे रहे, वोटों के टाइम बहकाया कि इन्होंने अभी कुछ ही कह लो उस टाइम पे भी कुछ ही कह लो, जब इनकी कसम भी गंगा जल भी सब इन्होंने फेल कर दिए, लेकिन मंदिर में कसम खाई थी हमारे ठाकुर द्वारा मंदिर की, जिसकी मान्यता 12 गांव में या गंगा जमुना के बीच में वो बड़ी मान्यता है ठाकुर द्वारे की, खुद हमारे सामने मेरे सामने और कई लेडीज नंद किशोर ने विधायक ने घंटा पकड़ के कसम खाई कि अगर अगर मैं विधायक बना तो सबसे पहले आपका काम करूंगा, वरना मैं गाय का मांस खाऊं, आज कहां गई उसकी कसम, कहां गया ठाकुर द्वारा बताओ, अब किस पे यकीन क्या कर ले, एक बार आया उसने बोला हमें वोट दो, तो आप लोग ये प्रदर्शन करते हैं तो अपनी खबरें ढूंढती हैं आप अखबार में टीवी में ढूंढे, हमें तो कहीं कुछ पता ना, इतनी बड़ी हो इतनी छिपावे हमें, इतनी सी छोटी सी छपती है, इतनी छोटी सी छपा दे, जब DND पे थे जब हमारी खूब अच्छी आई वहाँ साथ कुछ भी ना हुआ, बस जब ही दिखाती DND पे भी शर्म के मारा पता ना कैसा है, अरे नहीं जो दिखाते हैं और जो उनके आदमी हैं, मान लिया मैं तो यू ही कहूंगी कि उन्होंने दबा रखा, क्योंकि तले से ऊपर लो उन्हीं की तो सरकार है, हमारी या किसी बेचारे की कोई कौन सुनेगा, कौन सुन रहा है, हमें तो लगता ना, पर यू कहीं ना कहीं ये अत्याचार उन पर कैडा पड़ेगा, भगवान ऐसा ना सबका, अब हम तो लोकतंत्र में भगवान पे नहीं लोगों पे ही भरोसा करते हैं, नहीं भगवान पे भरोसा भगवान के लिए किया जाता है, पर लोकतंत्र में उनका क्या काम, लेकिन अगर समझ सकता हूँ कि आप लोगों की क्या तकलीफ है।
ये मुझे ये बताइए कि ये घर के आगे जाति का नाम क्यों लिखा हुआ है? ओबीसी जाति हैं, ओबीसी में जो जातियां हैं उनमें ये जातियां शामिल नहीं की गई हैं। जो हमारे इधर का पाल वर्ग है जिनको गडरिया बोलते हैं उनको ओबीसी में शामिल नहीं किया गया है। ठीक है, तो ये वो जो धनगढ़ जो गडरिया हैं ये ओबीसी में शामिल किए गए हैं। तो गडरिया गडरिया है, गडरिया धनगढ़ और अलग अलग तरह का गडरिया नहीं है देश के अंदर, लेकिन हमारे इधर का गडरिया ओबीसी में शामिल नहीं किया गया है, उसको आरक्षण का लाभ नहीं दिया जा रहा है। तो ये जो लिखा हुआ है वो क्या है? ये धनगढ़ इसलिए दिखाया गया है कि हम लोग भी यही हैं, जिनको आप जिन गडरियाओं को आप आरक्षण दे रहे हैं हम लोग भी वही हैं। तो आपने विरोध में लिखा हुआ है? नहीं, विरोध में नहीं है, ये दिखाने के लिए है कि हम लोग भी वही हैं, हमें भी आरक्षण का लाभ दिया जाए। अच्छा, ये गांव धनगरों का गांव नहीं, सब तरह के लोग हैं, त्यागी लोग भी हैं सब। अच्छा, ये तो बहुत ही गंदा है। ये यहाँ दहदल है, दहदल है ये दहदल। अच्छा, दलदल। हाँ, जो गाय घुस जाती है ना वो निकलती ना फिर। बागपत जिले से आया हुआ है नाला, नाला है ये बागपत जिले से आया है और गाजियाबाद जिले का के अंदर यहाँ नवादा गांव चारों तरफ से भरा हुआ है। यहाँ का आदमी, यहाँ एक आदमी भी ऐसा नहीं है जो 60 साल से जिसकी उम्र ज्यादा हो, आप पूरे गांव में घूम के देख लें। और कोई घर ऐसा नहीं है जिसमें बीमार आदमी ना हो जो चर्म रोग से प्रभावित ना हो। इसके कारण नाले का पानी, इस नाले के कारण ये नाले का पानी कहीं और ट्रीटमेंट के लिए नहीं जाता। यहाँ कोई नहीं, कोई नहीं, बस यहाँ इसका एंड है। यहाँ इसका एंड है, इस गांव में जब भी मुंह दिखाऊंगा जब इसका पानी बंद कर दूंगा। कौन बोला था? सांसद भी आए हैं, राजा सिंह भी यहाँ आए हैं और इसकी समस्या का समाधान के लिए ही वो उन्होंने हमारे सब लोगों की वोट भी ली है। इससे कई गांव प्रभावित हो रहे हैं, खानपुर गांव प्रभावित है, पूरा टोनी का सिटी बर्बाद है इससे। हम लोगों ने टोनी का सिटी के हम लोगों ने जितने भी आसपास के गांव हैं सभी गांव के जमीनी पानी का सैंपल लेके हमने अधिकारियों को दिया, लेकिन उस पर कोई समाधान आज तक नहीं हुआ। उन्होंने कहा जी हम इसको पानी की व्यवस्था करते हैं, इसका कोई समाधान निकालते हैं, लेकिन कोई समाधान नहीं हुआ। कई बार दे चुके यहाँ के सैंपल। एक वो तत्व कोई बताया था डॉक्टरों ने कि आर्सेनिक कोई तत्व है, वो आरओ में भी नहीं छनता है, वो हमारे यहाँ के पानी के अंदर है जो जिसका कोई इलाज नहीं है, आर्सेनिक कोई जहरीला पदार्थ। आप लोगों ने सबसे चिट्ठी पत्र की सबको बोर्ड देके देख लिया, सबको देके देख लिया, सबको देख लिया। इस साल पहले हम इसे पीते थे पानी को, खूब नहाते थे, इसमें पानी इतना बढ़िया, पशुओं को पिलाते थे, पशु यहाँ पे नहीं, अच्छा पानी आता था, बिल्कुल साफ पानी था, नेचुरल फ्लो का नाला है, नेचुरल फ्लो का नाला है, जो बरसाती नाला है ये। लेकिन अब इसमें गंदी कुछ फैक्ट्रियां हैं बागपत जिले में, खेकड़ा में, बागपत में, वहां से कपड़ा मिल है वहां, उनका तेजाब भरा पानी इसके अंदर आ रहा है। अब देखिए, जब चुनाव होता है या ऐसे भी चुनाव के समय तो दो चार पांच मुद्दे पर चुनाव हो जाता है, चुनाव के बाद भी इन सब चीजों पर कोई बहस नहीं होती, लेकिन देख लीजिए कि पर्यावरण, ये पर्यावरण का ही मसला है ना। हाँ, पर्यावरण का भी है। इसकी, हाँ, इसकी सजा आप लोग भुगत रहे हैं जी। इस पूरे तो इस रास्ते पर जिसके भी गाँव होंगे उनका भी वही हाल होगा, सभी सभी वही है, है कि नहीं? ऐसा तो नहीं कि सिर्फ आप ही के गाँव, हमारे करीब यहाँ इस नाले से करीब 8 गाँव प्रभावित है इसी पानी की वजह से। तो आप लोग पानी कैसे पीते हैं? यहाँ टंकी लगवाई थी इसने यूपीएसआईडी से, सब डैमेज है, जगह जगह टूटी पड़ी है, उसके अंदर कीड़े निकल के आते हैं नालों में। तो फिर आप अपना पानी कहाँ से लेते हैं? खरीद के पी रहे हैं सर, कैसे करेंगे? खरीद के पीते हैं। महीने का कितना पानी, कितने खरीदते हैं? महीने का हो जाता है 30-35 रुपए का, 600 रुपए का पानी खरीदते हैं वो आके वो कनस्तर में जो देके जाता है। मतलब कोई गरीब आदमी पैसे नहीं, बात तो सही है। मैं ये कह रहा हूँ, जब मीडियम खबर आती है, हाँ, जब तक तो ये लोग नेता लोग भागे फिरते हैं, आएंगे सब दौड़ के कि हम दौड़ करा देंगे, हम करा देंगे, फिर तो हम तो एक ही बार खबर दिखाएंगे, उसके बाद क्या होगा? उसके बाद फिर ऐसी रहेगा। जब यहाँ मीडिया वाले आए थे, हाँ, जब ये काम है, जब तो भागे फिरे हैं वे। दुनिया भर की मशीन भी आ ली बस पे लग लग के, पर कुछ नहीं हुआ आज तक। यहाँ तो कुछ समाधान हुआ ही ना, बिल्कुल भी कोई समाधान नहीं हुआ आज तक। ये आप देख रहे हैं कि ये नवादा गांव है, ये गाजियाबाद का, और इलाका दर इलाका में इसका बड़ा हिस्सा जो है नाले के पानी में ये डूबा हुआ है। और हर चुनाव में इन लोगों की एक उम्मीद रहती है कि इस नाले के पानी को कहीं साफ़ किया जाएगा, जिससे इनकी ज़मीन के भीतर का पानी और बाकी जो पानी है वो ख़राब ना हो।
सिर्फ पानी ख़राब नहीं है, इसके जो और दुष्प्रभाव है वो आप समझ रहे होंगे कि जो पीने का पानी है वो ख़राब हो रहा है, कई तरह की बीमारियां इससे फैल रही हैं, ये ख़राब हो रहा है। अब समस्या ये है कि इनके पास अपनी बात को कहने का मौका एक चुनाव ही होता है, लेकिन एक चुनाव से दो चुनाव के बीच में इनकी समस्या का समाधान नहीं होता है। और इन्हें अब ये भी पता है कि मीडिया एक बार दिखाएगा तो नेता लोग आएंगे, तरह तरह के वादे करेंगे, और चुनाव के बाद समाप्त होने के बाद वो नहीं दिखाएंगे। ये एक समस्या है, हम ये देख रहे हैं। और इसके बीच हम ये भी देख रहे हैं कि पर्यावरण को किस तरह से नुकसान हुआ है और उससे ज़िंदगी कितनी प्रभावित हो रही है। अगर यहाँ का गरीब आदमी 600 रुपये पानी पीने पर खर्च कर रहा है तो सोचिए कि इस पर्यावरण ने या इस लापरवाही ने उनकी ज़िंदगी पर कितना असर डाला है। तो एक तरह से इसका हिसाब निकालिएगा तो यही हिसाब निकलेगा कि अर्थव्यवस्था की एक तरह से इस पे काफ़ी नुकसान भी अर्थव्यवस्था में हो रहा है कि और हमारी जो पूरी उनकी आर्थिक क्षमता है वो कमज़ोर हो रही है। पानी नहीं है पीने के लिए, लेकिन ये खरीद के पानी पी रहे हैं, ये भी कब तक चलेगा? लेकिन क्या ये मुद्दा है? पता नहीं कि जब ये वोट करेंगे तो इनके लिए ये मुद्दा है या नहीं है, गाज़ियाबाद के लिए ये मुद्दा है या नहीं है, या व्यापक मीडिया या उन जो मुंबई में बैठकर जो कैच लाइन टैग लाइन लिखते हैं उनके लिए ये मुद्दा है कि नहीं है। हम सब का भी अब अपना अपना एक छोटा सा अनुभव हो गया है, मुझे यही लगता है कि ये सब मुद्दा नहीं है। यहाँ पर लोग बता रहे हैं कि ये जो आप गेहूँ का खेत देख रहे हैं तो गायों की आबादी बढ़ गई है, जानवरों की, जिसे स्थानीय भाषा में ढोर कहते हैं। तो उससे अपने खेत को बचाने के लिए हर खेत में तारे लगाई गई हैं। और एक एक एकड़ में कितना खर्चा आ जाता होगा कोई ये तार लगाने का? तीन साढ़े तीन हजार बत्तीस सौ एक एकड़ को करने में 20 से 25 हज़ार रुपया इसका खर्चा हो जा रहा है। तो ये किसानों की अतिरिक्त लागत बढ़ गई खेत में कि उसको उसकी सुरक्षा के लिए, जब भी सुरक्षा करनी पड़े जी, दिन रात आना पड़ा है, दिन और रात आना पड़ता है, चौकीदारी हमारा काम है। तो ये आपके हिसाब से इसका क्या समाधान होना चाहिए? समाधान जी, गाय पकड़ी जाए, गाय पकड़ी जाए, गौशाला के लिए गौशाला, इनका समाधान ये तो है ही नहीं, ना गौशाला है ना कुछ है। गाय पशुधन है और दूध देता है, इसके लिए कोई नीति ऐसी बनाई जाए, दूध का समर्थन मूल्य निकाला जाए, नकली जो बनाने वाले दूध बनाने वाले हैं उन पर अंकुश लगाया जाए, जिससे ये जो दूध दे रही है ये किसान के खूंटे पा जाए, ये जितना भी दूध दे रही है। आज स्थिति ऐसी है, ये जो यहाँ क्षेत्र का माहौल है, जैसे गंदा पानी है, पशु चरता हुआ इस गंदे पानी के संपर्क में जैसे ही आया, वो एक बार अगर कहीं से लेकर आए हैं और उसने बच्चा दे दिया तो वो दोबारा बच्चा देने की स्थिति में नहीं है, उसको किसान छोड़ेगा या क्या करेगा? पर ये किसान जो है एक एकड़ का में अगर 25,000 खर्च कर रहा है, 20,000 खर्च कर रहा है ये इसको बचाने के लिए, तो ये उसके लिए मुद्दा है या ये शिकायत है हमसे करने के लिए? नहीं, ये मुद्दा है, ये मुद्दा है, इसको क्या, ये इसको इस मुद्दे का कौन समाधान पेश कर रहा है? मुझे तो नहीं सुनाई दिया कि किसी ने भी समाधान पेश किया है। समाधान ये है, हमारा जो पशुधन है, जो रासायनिक हमारे खाद है, राजनीतिक दल है, अगर इतने अगर किसानों की का ये इतना बड़ा मुद्दा है तो इसको लेकर तो कोई मुझे सुनाई नहीं दे रहा है कि कोई समाधान का वादा कर रहा है ना, कोई नहीं कर रहा, कोई समाधान नहीं कर रहा, इतना और कर रहे हैं कि गौशाला बनाएंगे, बड़ी है नहीं कहीं भी, इतना और कर रहे हैं कि ये जो तार हमने लगा रखे हैं अगर इनमें पशु कोई कट जाता है, कोई इलज जाता है तो हम पे मुकदमे और होते हैं कि आपने आपने तार के। अच्छा, FIR होती है? FIR होती है, बहुत सारे किसानों पे FIR है कि तुमने क्यों लगाया। योगी जी ने बिल्कुल साफ आदेश कर रखे हैं कि तार जहां भी लगे हुए हैं। तो ये मुद्दा अच्छा है, हिंदू मुस्लिम मुद्दा अच्छा, मुझे तो यही बताइए, पानी नहीं है, ये मुद्दा नहीं है, दिन भर टीवी पे हिंदू मुस्लिम। सर, हिंदू मुस्लिम मुद्दा तो है ही नहीं, हिंदू मुस्लिम क्या है, हम लोग साथ ही नहीं है। अभी आप ये भैया खड़े हैं, ये मुस्लिम भैया है हमारे, हम लोग साथ ही नहीं है, हम कहां एक दूसरे को सिंगल जा रहे हैं, ये बताओ आप, हम कहां लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं? अभी मीरपुर गाँव में चलेंगे, सारे आदि वहाँ मुस्लिम आबादी बहुत सारी है, बदरपुर गाँव पूरा मुस्लिम का है, हम सब लोग प्यार से रह रहे हैं, सब लोग कोई किसान। तो फिर वो मुद्दा उठ क्यों नहीं रहा है? जो भी मुद्दा उठ रहा है टीवी में यही चल रहा है। सर, तो आप जैसे आप जैसे देश के बिल्कुल राष्ट्रभक्त हमारे बीच में पहुंचते नहीं है, हमारे बीच में तो दलाल लोग पहुंचते हैं मीडिया के। सही बात है, हम कैसे अपना मुद्दा पहुँचा दे? कल हमारे कल एक चैनल वाले आए थे, जगह जगह घूमते रहे, और उनको देख कर हमें ये लगा कि ये लोग जनरल वी के सिंह के जितने भी सपोर्टर क्षेत्र में है उनको तलाश रहे हैं। हमसे भी उन्होंने हमसे भी बात करी, लेकिन हमसे सवाल यही पूछते रहे कि जनरल वी के सिंह का माहौल बताओ, उसके बारे में बताओ। मीडिया वाले आके माहौल पूछते हैं, माहौल पूछते हैं कि आप माहौल बताओ। नहीं, ये तो समस्या, पर ये तो आप लोगों को मिलके, ये तो इसी जगह की समस्या नहीं है। अगर राजस्थान में भी हमने देखा कि 30 से 40 हज़ार वो पत्थर लगा के वो दीवार बना रहे हैं,
तो एक किसान की लागत है, तो इसका मिलके तो कोई समाधान होना चाहिए। सर मिलके तो हम इतना ही हो सकता है कि हम जो परेशान होके लोग यहाँ मर सकते हैं, आत्महत्या कर सकते हैं। इस फसल को अपने बच्चों की तरह पाल रहा है किसान, इस फसल को अपने बच्चे की तरह परवरिश कर रहा है इसकी, और जैसे ही इसका नुकसान होगा तो किसान क्या करेगा, कैसे झेल पाएगा उस नुकसान को। तो इसका मतलब मार्केट में ये तार का बिजनेस भी बढ़ गया होगा। बहुत बढ़ रहा है। तो ये छोटी दीवार है, इसका पहले क्या रेट था कुछ बता सकते हैं? 60 जी, अब 12.90। पहले 50 था, 3-4 साल पहले हमने लगाया। 50 रुपया क्या था? 50 किलो 50 रुपया किलो था। हाँ जी, अब 75 रुपए और 70 रुपए के बीच में, 72-73 90 रुपए हो गए। अब ये देखिए कि ये जो तार की वजह से जो खेत में जो तार लगाए गए हैं, अगर कैमरे से दिख रहा है तो ये इस पे किसान पे तो लागत बढ़ी है, इसका व्यापार बढ़ गया है कि जो 50 रुपए किलो ये कटीली तार मिला करती थी, अब 75 से 90 रुपए आप बता रहे हैं। तो इकारा लग रखा बाजू खेतों में तीरे लगा रखे, चोरे तार लगा रखे है, जब भी नहीं रुकते, रात भर आप लोग जगे रहते हैं। और किसी के द्वारा 4 बीघे गेहूं है बेचारे, लागत लगा रखे, उसका ढोर खा जाए, उसके बच्चे फिर परेशान। अंकल जी होना है, पहले 50 किलो कट्टा मिलेगा, हाँ 45 किलो का और कर दिया, पहले 1000 रुपए कट्टा मिलता था ढाई का, और अब 5 किलो और घटा दिया, 14 का बता रहे, ढाई का जी, ढाई का डीएपी, हाँ डीएपी 1400 का, अब 1400 का जी, 5 किलो वजन घटा दिया, 5 किलो वजन घटा दिया। उसका एक और फायदा है कि कम यूरिया इस्तेमाल कीजिएगा तो भला होगा खेत का भी और पर्यावरण का भी।